हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एएमयू जामिया और नेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्लास 11th के लिए गाइस ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस देख लिए हैं गाइस, उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आई पे आप देख सकते हैं ठीक है गाइस। अब इस चैप्टर में जो इस वीडियो में हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, कौन सा मटेरियल लेंस को बनाने के काम नहीं आ सकता है। सबसे पहले वॉटर, वॉटर ठीक है, ग्लास, थर्ड है प्लास्टिक और जो लास्ट है क्ले ठीक है। पानी, क्या पानी यूज हो सकता है गाइस, पानी से रिफ्रेशन होता है ठीक है, इसीलिए वो हो सकता है। ग्लास, ग्लास तो होता ही है यूज। थर्ड है प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक और क्ले में से देखते हैं, प्लास्टिक और क्ले में से गाइस जो इसका आंसर होगा वो होगा क्ले ठीक। क्ले जो है आपका लेंस बनाने का नहीं यूज हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें पूछा गया है कि किसकी ज्यादा पावर होगी, विच लेंस हैज ग्रेटर पावर, किसकी पावर ज्यादा होगी। पहले फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, सेकंड दी है 15 सेंटीमीटर सॉरी, थर्ड दी है 20 सेंटीमीटर, फोर्थ दी है आपके 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले पावर देखते हैं, पावर होती क्या है, पावर लेंस, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। अब ये यूनिट डायोप्टर कब होती है, जब ये फोकल लेंथ मीटर में हो, ये आपको मेन रखना है। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछी गई होती ना, तो आपको फोकल लेंथ, सबसे पहले आपको फोकल लेंथ जो है मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ती ठीक है गाइस, ये हमेशा ध्यान रखें कि फोकल लेंथ मीटर में है, ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए फी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के, नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी ठीक है, तो पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जितनी वैल्यू एफ की वैल्यू कम होगी उतनी पी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें पता चल गया आंसर, जितनी एफ की वैल्यू कम होने वाली है उतनी ही पावर ज्यादा होगी। सबसे कम एफ की वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, तो इसलिए इसका पावर सबसे ज्यादा होने वाली ठीक है गाइस। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है। आपको जो है रियल इमेज चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस ऑफ द लेंस सॉरी ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इंफिनिटी एंड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। आपको रियल इमेज चाहिए और सेम साइज की चाहिए ठीक है। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कहां पे बनती थी, मैं कॉनकेव मिरर की बात क्यों की है, मैंने आप सोच रहे होंगे कॉन्वेक्स लेंस का पूछा गया है ठीक है गाइस, इसलिए करता हूं क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर का अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद है तो आप उसको याद रख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिर्फ आपको यहां पे क्या करना होगा, आपको यहां पे सी की जगह 2f पुट करना होगा ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप 2f भी बोलते हैं, डबल डिस्टेंस बोलते हैं ना फोकल लेंथ की होती है। तो अब आपको पता है जब आप जो है कॉनकेव मिरर के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो ऑब्जेक्ट सॉरी, तो सेम साइज की इमेज बनती है ठीक है। मैंने यहां पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, आप जो है एरो वगैरह देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है 2f होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब आप 2f पे रखोगे सेम साइज की रियल इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। आपको तीन चीजें ही पूछी जाएंगी, पोजीशन, नेचर और साइज। अब ये इसमें से सिर्फ पोजीशन और इमेज पूछा, सॉरी साइज पूछा है इमेज का, जो कॉन्वेक्स लेंस से बनती है और उसकी फोकल लेंथ दी है कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर। गाइस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि उसका जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है ठीक है, जो इमेज बनती है राइट साइड
पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। और उस वो एक्सिस कौन सी होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होती है? पॉजिटिव आपकी, उस पे सब वैल्यूज। और ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, एच दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर रखा होगा तो इसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और 30 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, तो इसीलिए यू की वैल्यू आपकी होने वाली है -30 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल वी के लिए निकालने के लिए, पोजिशन के लिए आप कौन सा यूज करते थे? मिरर फॉर्मुला में, सॉरी मिरर में, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। सबसे पहले आपको निकालना क्या है? 1/v, एक साइड में लीजिए इसको, 1/f + 1/u, ठीक है। आपको जो निकालना है उसको आप एक साइड में लीजिए, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, इससे आपको कैलकुलेशन में एरर नहीं होती। f की वैल्यू 20 है आपकी और u -30, इसका एलसीएम गाइस 60 आ जाएगा। 3 - 2 / v, v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आने वाली है, ये आप पहले भी जान सकते थे क्योंकि जो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड वो राइट साइड में ही होती है, ठीक है। अब जो है आपको पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर इसका आ गया है, इसमें हाइट भी पूछी थी गाइस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u, मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। सबसे पहले आपको मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए हाइट निकालने के लिए। v आपका 60 है और ये -30 है, मैग्निफिकेशन आपका आ गया है -2। तो आप मैग्निफिकेशन का यूज करके आप हाइट निकाल सकते हो h - h, ठीक है। h डैश आपको निकालनी है m × h, h आपकी कितनी थी? 4, ये -2, आपकी हाइट -8 सेंटीमीटर। हाइट माइनस आ रही है, इसका मतलब क्या है? रियल और इन्वर्टेड होने वाली है, ठीक है। अब ये बताइए आप ऑब्जेक्ट रखा कहाँ था? आपको मैग्निफिकेशन जो है डबल मिल रहा है और नेगेटिव रियल और इन्वर्टेड है, कहाँ पे रखा होगा ऑब्जेक्ट? बिटवीन f and 2f, ये आपका लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ है f1, ये 2f1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2। ये डिस्टेंस गाइस आपकी 20 है, ये आपकी 40 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा है बियॉन्ड, तो आपके कहां पे बनने वाली है? सॉरी, ये आपकी बियॉन्ड 2f बनेगी गाइस, ठीक है। v आपका क्या आया था? 60 आने वाला है ना, तो ये कितनी होगी? 20, ये 20 40, तो ये आपके 20 और आगे बढ़ेगी। इस तरीके से आप विजुअलाइज भी कर सकते हो सबसे पहले क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जो फोकल लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करूंगा? नहीं, सिंपल सी बात है, आप कहीं भी रख सकते हो। इमेज डिस्टेंस पे नहीं। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल पे, किससे बना है? सिंपल सी बात है, जिससे बना है वो जिस तरीके से बना है उस पर डिपेंड करती है। तो फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब एक लेंस दिया गया है, उसकी पावर बतानी है आपको। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, फोकल लेंथ दी है आपको, पावर बतानी है। फोकल लेंथ है गाइस उसकी 40 सेंटीमीटर, तो पावर क्या आ जाएगी? 1/40, नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? इसको मीटर में कन्वर्ट करना, ये आपका 0.4 मीटर आ जाएगा गाइस, ठीक है। पॉइंट लगाइए, जीरो हटाइए, 2.5 प्लस डायोप्टर। अब मैंने प्लस क्यों लगाया? आप कहेंगे कि प्लस क्यों लगाया है? प्लस इसलिए लगाया, अगर आप यहां पर क्वेश्चन होता कौन सा लेंस है। अब ये बताइए आप पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कौन है, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो पावर पॉजिटिव कब आती है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है गाइस, और वो रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के 15 सेंटीमीटर आगे, मतलब -15 सेंटीमीटर, और उसकी पावर जो है -10
10 डायोप्टर है। देखिए गाइस माइनस आ रही है पावर, तो आपको पता ही चल गया होगा कि नेगेटिव होती है कौन के लेंस के लिए। आपको उसके साइज बतानी है इमेज का। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन से ही आप बता सकते हैं ना इमेज का साइज। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो यू तो है लेकिन एफ नहीं है वी निकालने के लिए, तो एफ कहां से आएगा आपके पास? इससे एफ क्या होने वाला है आपका, मतलब 10 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 100 क्या जाएगा गाइस, 2 डेसिमल, ठीक है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। और सॉरी माइनस वन, फोकल लेंथ आपकी माइनस होती है किसके लिए। अब आप जो है निकाल सकते हैं 1/b क्या हो जाएगा आपका, 1/f प्लस 1/u, 1/ -10 प्लस -1/15। या आप एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम 30, -3 प्लस सॉरी -2 1/v, वी आपके -6 सेंटीमीटर आ गई गाइस। अब ये वी तो -6 आ गई, आपको मैग्निफिकेशन यहां से निकाल सकते हैं, यहां से m = v / u -6 / -15, ये आपका मैग्निफिकेशन जितना भी आया 6/15। यहां से आपको हाइट निकालनी है, मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला h - / h, 6/15 * 4 ये है आपकी हाइट आ चुकी है 24/15 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड। गाइस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस क्या होता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, ये इसका सिंबल होता है ठीक है। और म्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, यहां पे म्यू तो होती है गाइस फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस ये आपकी रिलेशन पूछ सकते हैं आपका, यही क्वेश्चंस हैं आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेंस फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, पोजीशन नेचर साइज, इसलिए आप ध्यान रखें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव। सबसे पहले आप जो है जिस जो आपकी वैल्यू निकालनी है बी निकालनी है, मतलब कौन बी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ले लीजिए, निकालिए और उससे फिर मैग्निफिकेशन निकालिए अगर आपका हाइट पूछा है, क्योंकि आप मैग्निफिकेशन के बिना हाइट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, लाइट जो है किस मीडियम में फास्ट ट्रेवल करती है गाइस। तो लाइट जो ट्रेवल फास्ट करती है वो वैक्यूम में करती है गाइस, ठीक है। अब आपका यही दे रखा है, इसमें से कुछ ये रूल्स के ऊपर है गाइस। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका जो है रूल सही है। ये कॉनकेव लेंस दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस है और ये बीच में आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये आपको रूल पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होती है तो वो सीधी चली जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स थ्रू वॉटर विद द स्पीड ऑफ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो एक लाइट है उससे जो है आप 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी जा रही है, 2.25। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है गाइस, म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी,
ये क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये किस मीडियम में है वाटर में, इसकी स्पीड दी गई। आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होता है 3 × 10^8। ये आपको वैल्यू याद करनी है गाइस। ये 10^8 से 10^8 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैंसिल कर लिए 2 × 5^4 = 20। ये 12/9 = 3 × 3 = 4 / 4/3 आ गया, ठीक है 1.33 आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। अब आपको पूछा गया है रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है, ये आपको याद रखनी चाहिए बिल्कुल गाइस। ये होती है 4 × 10^-10 मीटर टू 8 × 10^-7 मीटर, सॉरी 7 मीटर था सॉरी, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनेगी अगर उसका जो है आधा पार्ट जो है ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है, ठीक है गाइस। अब इमेज फर्स्ट इसका ऑप्शन है नो इमेज इज फॉर्म बाय द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेंस, उसको इमेज नहीं बनेगी। सेकेंड है सेंट्रल पोर्शन ऑफ इमेज विल बी एब्सेंट, बीच वाला पार्ट उसका एब्सेंट होगा। थर्ड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फोर्थ है फुल इमेज जो है बनेगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब मेरी एक बात समझिए गाइस, यहाँ पे हम जब इमेज बनाते हैं, मैंने आपको इमेज बनाते हुए भी बताया है कि इमेज कब बनती है, इमेज जब बनती है जब दो या दो से ज्यादा रेस मीट करती हैं। अब हम एक रे तो ये ले लेते हैं, चलो फोकस से पास हो गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज बन गई यहाँ पे कहीं। लेकिन इस क्या अगर हमने इस हाफ पोर्शन को कवर कर दिया है तो जरूरी थोड़े ना यहाँ से भी, तो इस जो रेज है वो उनकी सिर्फ ब्राइटनेस हाफ हुई है ना, कि जो आप जो रेज है वो पहले मान लीजिए 10 पास हो रही थी, अब वो 10 नहीं होंगी, हाफ हो जाएंगी उनकी वैल्यूज, तो मतलब सिर्फ ब्राइटनेस ही कम होगी और सारी रेज दो या बहुत सारी रेज होंगी जो मीट कर रही होंगी, इसलिए इमेज तो फुल बनेगी लेकिन ब्राइटनेस उसकी कम होगी। अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। अब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है गाइस दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बस यही क्वेश्चन दिए गए हैं आपके जो लास्ट ईयर में आए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने वाले।